जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपके प्यार एकदम परफेक्ट के चल रहे हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे 1008 पजल की सीरीज में। आज जो हमारा डे है वो डे है 29 गाइस। ऑलमोस्ट हमने 130 पजल पजल हमने कल रेड ऑलरेडी कर चुके हैं गाइस। तो गाइस देखो क्या करना है, अगर आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट वीक है, अगर आपका सब्जेक्ट मतलब टॉपिक या कहीं उसमें आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो एक काम करोगे आप, डेली बेसिस पे रात को 9 बजे मेरे साथ जुड़ोगे गाइस, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी मेंस लेवल के पजल है चाहे प्री लेवल के पजल है वो मैं आपको करवा रहा हूँ, बट अभी जो फोकस है मेरा वो है प्री लेवल भी। जैसे हमारा एग्जाम हो जाता है अगस्त मंथ में, उसके बाद हम स्विच करेंगे किस पे, मेंस लेवल की पजल पे गाइस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखिए सबसे पहले जो पजल खुली है वो हमारी खुली है किस पे, 7 पर्सन है विच इज ए से लेके जी तक लिविंग इन द 7 फ्लोर की बिल्डिंग। टॉप फ्लोर का नंबर 1 दे रखा है, बॉटम का जो टॉप का नंबर 7 है और बॉटम का नंबर 1 है। ईच ऑफ द पर्सन लाइक डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी, ठीक है। चलिए अंदर देखो, सबसे पहले काम क्या करना है, आपको ये बना लिया, उसके बाद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देखनी है जो आपकी डेफिनेट हो गैस, और जो पॉसिबिलिटी वाली है उसको आप क्या करोगे, लिख लोगे गैस। और ऐसा नहीं कि आप बार बार उसी केस में चेक करोगे, नहीं। अगर आपके 2 केस बन रहे हैं तो 2 केस बनाओ, 3 बन रहे हैं तो 3 बनाओ, बट बनाओ उसको गैस। बाकी जहां तक मेरा आइडिया है और मेरा एक्सपीरियंस है, आपकी 1 से 2 केस में आपकी बन जाती है पजल। देखो यहाँ से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ। डी डज नॉट लिव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। अब डी इवन पे नहीं रहेगा तो वो कहाँ पे रहेगा, वो आपका ऑड नंबर फ्लोर पे रहेगा, मतलब या तो 1 पे आएगा, 3 पे आएगा, 5 पे आएगा या फिर 7 पे आएगा। द वन हू लाइक डेजी लिव 2 फ्लोर अबव डी। डी के ऊपर आपको कौन रहेगा, जो आपका डेजी फ्लावर को लाइक करता है, मतलब ये कंफर्म हो गया 7 पे तो नहीं आ सकता आप पे, या तो 1 पे आएगा, 3 पे आएगा या फिर 5 पे आएगा, और पॉसिबिलिटी कैंसिल होगी, ठीक है, ओके। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में कितने हैं आपके, 2 है, बट ये कंफर्म थोड़ी है कि डी के ऊपर भी आएगा या फिर नीचे आएगा, ठीक। द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबाउ बी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो जी। जितने बी के ऊपर रहेंगे आपके उतने आपके जी के नीचे रहेंगे। सपोज बी के ऊपर आते हैं 2 तो जी के नीचे भी 2 आएंगे, अगर बी के ऊपर 3 आते हैं तो जी के नीचे भी 3 आएंगे। द पर्सन हु लाइक रोज लिव्स इमिडिएट बिलो जी। जी के जस्ट नीचे रहने वाला पर्सन क्या लाइक करेगा आपका, वो लाइक करेगा रोज, ठीक है। चलिए एफ लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हू लाइक ब्लू बेल। जो पर्सन आपका ब्लू बेल लाइक कर रहा है उसके 2 फ्लोर नीचे आपका कौन है, एफ है, मतलब ब्लू बेल और एफ के बीच में 1 फ्लोर आएगा और एफ आपका ब्लू बेल के नीचे रहेगा। एफ लिव्स ऑन अ ऑड नंबर फ्लोर, एफ आपका आएगा ऑड नंबर फ्लोर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। एफ नाइदर लाइक डेजी नोर रोज। डेजी के साथ आपका एफ नहीं आएगा, चलो मैं काम करता हूँ इसको ऐसे, ठीक है, ये भी आएगा एफ, और रोज के साथ भी आपका एफ नहीं आएगा। आगे बोला देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन सी एंड ए वेयर सी लिव्स अबाउ ए। ए के ऊपर आपका सी रहेगा और सी और ए के बीच में आपके 2 फ्लोर है। ए डस नॉट लाइक लिली। ए के साथ आपका कौन सा फ्लावर नहीं आएगा, देखो यहीं पे लिख देता हूं, ए के साथ आपका लिली फ्लावर नहीं आएगा। ई लिव्स इमीडिएट अबाउ द वन हू लाइक टुलिप। टुलिप के जस्ट अबाउ आपका आएगा कौन, तो ई है। Neither G nor A like iris। ना तो आपका G like करेगा, अच्छा
राई आपका ए लाइक करेगा आयरिस फ्लावर, ठीक है। चलिए तो ये इंफॉर्मेशन हो गई, अभी तक मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो, बट पॉसिबिलिटी है तो हम चेक करते हैं। देखो सबसे पहले मिनिमम पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट करता हूँ, बस सपोज डी को देखो यहाँ पे लेता हूँ, डी के एक छोड़ के डेजी आएगा, यहाँ पे आ गया वो पर्सन तो डेजी फ्लावर को लाइक कर। अब देखो मेरे पास क्या जगह कम है इसलिए पॉसिबिलिटी थोड़ी ले नहीं पा रहा, अदरवाइज को तीनों पॉसिबिलिटी को साथ में लेके चल, डी और बी के बीच में दो है तो एक नीचे तो पॉसिबल नहीं है, देखो डी और बी के बीच में एक नीचे पॉसिबल है, एक दो यहाँ पे आ जाएगा मेरा बी। अब देखो बी के ऊपर जितने है यही बोला था ना नंबर ऑफ पर्सन अबाउट, ठीक है बी के ऊपर जितने उतने जी के नीचे, तो बी के ऊपर देखो एक दो तीन, एक दो तीन पॉसिबल है क्या, नहीं ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ से कैंसिल हो गई, कौन सी डी। अब डी मेरा क्या आ जाएगा थर्ड फ्लोर पे है। अब मैं काम करता हूँ दोनों पॉसिबिलिटी ले लेता हूँ, एक मेरे पास कैंसिल होगी ना, दो ही तो बची इसके साथ में बना लेते ना, तीन की जगह तो थी नहीं बट दो की तो जगह है हमारे पास। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए अब डी को लेता हूं मैं थर्ड फ्लोर पे और एक बार डी आ जाएगा मेरा फिफ्थ फ्लोर पे, डी और डेजी के बीच में एक है तो डेजी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जो पर्सन आपका डेजी लाइक करता है, और एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा जो आपका डेजी फ्लावर को लाइक करता है, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हो, आप ये भी रेड दे दो ना, हटा ही दो आप इसको, ठीक है। अब देखो डी और बी के बीच में दो है तो एक दो पॉसिबल है कि नहीं ना, तो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, इस केस में देखो ऊपर पॉसिबल नहीं ना तो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, तो आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो डी बी के ऊपर जितने है ना उतने जी के नीचे, बी के ऊपर देखो फर्स्ट केस में एक है तो जी के नीचे आपका क्या आएगा एक आएगा, इसमें देखो बी के ऊपर देखो एक दो तीन चार पांच है तो इसके नीचे जी के पांच आएंगे, एक दो तीन चार पांच यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा, तो आप इसको भी हटा सकते हो आप। चलिए बहुत बढ़िया, जी के जस्ट नीचे रोज आएगा, जी के जस्ट नीचे यहाँ पे आपका रोज आ जाएगा, जी के जस्ट नीचे आपका डी लाइक करेगा इस केस में रोज, ठीक है। अब यहाँ पे बोले रोज आपका एफ लाइक नहीं करेगा, यहाँ पे एफ नहीं आएगा, तो इसको हटा देता हूं। चलिए ओके नेक्स्ट, ए और सी के बीच में दो है और सी आपके ए के ऊपर है, ए यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, ए यहाँ पे आ सकता है, ए यहाँ पे पॉसिबल है बट ए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब देखो ये वाला टुलिप के ऊपर आपका ये तो पॉसिबल नहीं है अभी, ये हम कर सकते हैं देखो, तो मुझे पता है एफ ऑड पे है और एफ और ब्लू बेल के बीच में एक है, यहाँ पे एफ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, एफ देखो यहाँ पे आएगा फर्स्ट केस में फिफ्थ फ्लोर पे और ये आ जाएगा वो पर्सन जो ब्लू बेल को लाइक कर, ये मेरा फर्स्ट केस है, ठीक है। ये मेरा सेकंड, इसमें देखो एफ यहाँ पे आ सकता है, एफ यहाँ पे आ सकता है कि नहीं आ सकता, क्यों ब्लू बेल नहीं आएगा फिर एफ यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इस केस में सेकंड केस में मेरा एफ आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो ब्लू बेल को लाइक कर, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, ठीक है, तो ये वाला केस यहाँ से एलिमिनेट कर देते। अब देखो ए और सी वाला करते हैं, ए यहाँ पे पॉसिबल है, ए यहाँ भी पॉसिबल है, अभी इस केस में देखो ए यहाँ पे पॉसिबल है बट ए यहाँ पे पॉसिबल है क्या, एक दो छोड़ के पॉसिबल नहीं, ए मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ जाएगा सेकंड केस में, सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलिए एक पर्सन आपका बचा वो है ई, ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा सेकंड केस में, तो सारे पर्सन आ गए बट फर्स्ट केस में नहीं आया। देखो अब हम यहाँ पे ए ले सकते हैं ना, चलिए एक बार चेक करते हैं, अगर मैं सपोज ए को यहाँ पे लेता और सी को यहाँ पे लेता तो ई मेरा बचा, ई के जस्ट नीचे तुलिप पॉसिबल है क्या,
नहीं पहुंचे। यहां से मुझे पता चल गया कि ए की जगह तो हो गई ये वाली, और सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको हटा सकते हो, आप ई के जस्ट नीचे तुलिप आएगा, यहाँ पे वो पर्सन आएगा जो तुलिप को लाइक करे। इस केस में देखो ये पर्सन बी होगा जो तुलिप को लाइक करेगा। चलिए फिर इसको हटा दीजिए आप। अब देखो जी और ए आयरिश लाइक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आयरिश आएगा नहीं, यहाँ पे तो एक आ रखा है अभी। सेकंड केस में देखो आयरिश जी के साथ आएगा नहीं, ए के साथ भी नहीं आएगा, तो आयरिश आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए आपका लिली लाइक नहीं करेगा तो जी आपका लिली लाइक करेगा। लास्ट जो बचा वो फ्लावर कौन सा है आपका, मैरी गोल्ड। जो सेकंड केस है मेरा आंसर होगा, बट हम इसके अंदर देखते हैं कि फर्स्ट केस कैसे एलिमिनेट हो। देखो अब यहाँ पे क्या बोला था कि एफ के साथ डेजी नहीं आएगा, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एफ के साथ डेजी आ रहा है, मतलब ये यहाँ से मेरा एलिमिनेट, मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकंड केस से आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर सेकंड। 137 नंबर की पजल है, जो बोला गया 6 पर्सन है ए आर, ये आपके फ्लैट, इसमें आज मैंने देखो दो लिए ऐसे फ्लैट वाले। ठीक है, तो फ्लैट वन पे और फ्लैट टू पे रहते हैं। ठीक है, ये भी आपका फ्लोर बेस पजल है, बट इसमें तीन फ्लोर ही आपके, बट ये फ्लैट इसमें साथ है। देखो 6 पर्सन है आपके, लिविंग इन अ टू डिफरेंट फ्लैट विच इज फ्लैट वन और फ्लैट टू, 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग है। ठीक है, 3, 2 और 1, बट इसमें क्या आपके वेरिएबल दे रखे, ईच ऑफ द पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, दैट इज रेड ब्लैक येलो ब्लू और ग्रीन और ऑरेंज, ये आपका डबल वेरिएबल क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपके पर्सन हो गए। ये हो गया मेरा फ्लैट, अब देखो यहाँ पे बोला फ्लैट वन इज बेस्ट ऑफ फ्लैट टू। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्लैट वन और ये हो गया मेरा फ्लैट टू। ठीक है, चलिए अब इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या क्या दे रखी है। सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन को नोट कर, देखो ये, देखो ये यहां से स्टार्ट हो रही है। देखो टी लिव्स इन अ फ्लैट वन ऑन ऑड नंबर फ्लोर, मतलब या तो टी मेरा यहाँ पे आएगा या फिर टी मेरा यहाँ पे आएगा, कोई तो पॉसिबिलिटी तो हम टी एक काम करें साथ में लेके चलेंगे, तो जगह तो कम है मेरे बट साथ में लेके चलना, आपको ये चीजें करनी है एग्जाम, दोनों केस को साथ में लेके चलना है। ठीक है, अलग अलग नहीं लेने हैं। ये मेरा फ्लैट वन है और ये मेरा फ्लैट टू। चलिए तो देखो उसने क्या बोला कि जो टी है ना मेरा वो क्या, एक तो फ्लैट वन में रहेगा और नंबर पे रहेगा, तो टी मेरा एक बार क्या होगा थर्ड फ्लोर पे आएगा और एक बार मेरा फर्स्ट फ्लोर पे आएगा। द वन हू लाइक रेड कलर लिव्स अबाउट टी बट नॉट इमीडिएट अबाउट, यहां से देखो ये एलिमिनेट हो गया। टी के ऊपर आपका रहेगा कौन, रेड कलर, बट जो आपका क्या है इमीडिएट अबाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम पढ़ते ना साथ में तो हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपका रेड कलर लाइक करता है वो अबाउट है किसके, टी के, बट इमीडिएट अबाउट नहीं आए। ठीक है, ठीक है, टी डज नॉट लाइव ऑन द सेम फ्लोर एज रेड, रेड के साथ जहां रेड रहता है ना उसमें और आदमी देता। ठीक है, वहां पे बी नहीं रहेगा आपका, सपोज ये फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो यहाँ पे नहीं आएगा, सेकंड पे थर्ड पे आ सकता है। तो सपोज आपका रेड यहाँ पे लाइक करता पर्सन तो बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ये दोनों साथ साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, सेम फ्लोर पे नहीं आएंगे। ही लिव्स टू द वेस्ट ऑफ बी हु लाइक ऑरेंज, बी आपका कौन सा कलर लाइक करता है ऑरेंज, और इसके वेस्ट में कौन आएगा आपका, ई आ जाएगा।
गलत मिटा देना, इसमें हो जाता, चलो कोई बात नहीं, चेक करेंगे। ठीक है, टी नाइदर लाइक ग्रीन और ब्लू, इसके साथ ना तो क्या आएगा आपका ग्रीन कलर आएगा ना ही आपका ब्लू कलर आएगा। द वन हू लाइक ग्रीन और येलो लिव्स ऑन अ डिफरेंट फ्लोर बट इन द सेम फ्लैट। ग्रीन और ब्लू ये आपके क्या है, सेम फ्लैट में आएंगे बट डिफरेंट फ्लैट। ठीक है, सपोज कैसे, सेम फ्लैट का मतलब यहाँ पे हो सकते हैं इसमें, बट क्या होंगे डिफरेंट, डिफरेंट क्या बोला था, फ्लोर्स बोला था, यहाँ पे फ्लैट लिख दिया डिफरेंट फ्लोर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं, यहाँ नहीं हो सकते ये, यहाँ ऊपर नीचे कहीं होंगे आप। सी और आर लिव ऑन अ सेम फ्लोर, सी और आर आपके सेम फ्लोर में आएंगे। ठीक है, फ्लोर लिख देता हूँ मैं, फ्लोर। आर लिव ईस्ट ऑफ कवन लाइक येलो, तो येलो के ईस्ट में आपका कौन आएगा, आपका आएगा आर। तो सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, अब हम चेक करते हैं वो, जिससे हमारा आंसर सॉल्व होगा। देखो टी के ऊपर रेड आएगा, तो काम करते हैं हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे तो भी आ नहीं सकता, बी यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे आएगा, ये दो केस है बी के। मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे लेता हूँ, बी चेक करेंगे दोनों, बी को यहाँ पे लिया और बी लाइक करता है आपका कौन सा कलर, वो लाइक करता है ऑरेंज। ठीक है, पी के वेस्ट में आपका पी है, आ गया पी। अब येलो के सामने मतलब साथ वाले फ्लोर पे आपका आ रहा है, तो येलो यहाँ पे आ नहीं सकता, येलो यहाँ पे हो सकता है, येलो यहाँ पे हो सकता है, बट येलो अगर यहाँ पे लेता हूँ तो आर आ तो जाएगा, बट आर और सी सेम फ्लोर में पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये थर्ड फ्लोर पर रहने वाला पर्सन आपका लाइक करेगा येलो, और ये हाँ येलो के ईस्ट में आर आ जाएगा, आर के साथ आप सी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, टी के ऊपर रेड, टी के ऊपर रेड यहाँ पे तो नहीं सकता, इमीडिएट अब उसने पहले मना कर दिया, आर आपका रेड कलर लाइक करेगा उस हिसाब से। तो ठीक है, अब रेड और भी सेम फ्लोर पे है नहीं, ठीक है, अब ग्रीन और ब्लू अलग अलग पे है, मतलब ये यहीं पे कहीं आएंगे आपके ग्रीन और ब्लू, पर देखो पी आपका ब्लू लाइक नहीं करेगा, पी आपका ग्रीन भी लाइक नहीं करेगा, बट ग्रीन और ब्लू की तो यही जगह बचती है, यहाँ से ये केस तो एलिमिनेट, बी मेरा सेकेंड फ्लोर पे तभी आ सकता। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पी को ले लेता हूँ यहाँ पे, पी आपका लाइक कर रहा ऑरेंज, इसके वेस्ट में आपका पी है। ठीक अब देखो येलो के ईस्ट में आ रहा है, येलो हो सकता है बट आर आएगा, आर के साथ सी भी पॉसिबल है, येलो मेरा यहाँ पे आएगा सेकेंड फ्लोर पे, और इसके ईस्ट में आ जाएगा मेरा कौन, आर, आर और सी आपके सेम फ्लोर पे। बढ़िया, आप इसको हटा दो, आप इसको भी हटा दो आप। अब देखो टी के ऊपर आपका रेड आएगा, टी के आपके ऊपर रेड इमीडिएट अबाउट तो होना होगा नहीं, तो रेड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या रेड और बी एक सेम फ्लोर पे आ रहे, अच्छा इमीडिएट अबाउट बोला था ना, ये यहाँ पे आएगा ना, इमीडिएट अबाउट तो होगा नहीं, तो रेड मेरा यहीं पे आएगा, बट फिर वापस रुको रुको क्या बोला था उसने, द वन हू लाइक बी डज नॉट सेम फ्लोर हू लाइक रेड, द वन हू लाइक ग्रीन और येलो डिफरेंट। अरे रुको रुको, ये देखो ये क्या बोला था यहाँ पे, ये येलो है, यहाँ पे देखो मैंने ब्लू लिख लिया, जस्ट आप ये गड़बड़ हो गई यहाँ, ये गड़बड़ हो गई। अब देखो क्या चीज है कि येलो और ग्रीन मेरा यहीं पे आएगा, येलो आ गया तो ग्रीन इसके साथ आएगा नहीं, तो ग्रीन मेरा यहाँ पे आएगा। अब हम इसको
दोबारा चेक करेंगे, ठीक है। टी के ऊपर इमीडिएट अबाउट रेड पॉसिबल है तो रेड मेरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट रेड और बी आपके सेम फ्लोर पे, उसने पहले मना कर दिया, मतलब जो आंसर हमारा पहला केस था ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो हमने एक येलो की जगह ब्लू लिख दिया था गाइस, के लिए माफी देना। यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, बी आपका लाइक करता ऑरेंज कलर, ठीक है। बी के वेस्ट में आपका पी है, यहाँ पे मेरा येलो था, येलो के ईस्ट में मेरा आर है, आर और सी आपके पास पास में बैठे हैं, मतलब एक ही फ्लोर पे बैठे हैं, ठीक है। और येलो और ग्रीन एक ही फ्लोर पे आएंगे बट डिफरेंट फ्लोर पे होंगे, मतलब एक ही फ्लैट में होंगे, मतलब येलो यहाँ पे तो यहाँ पे तो आएगा नहीं ग्रीन, क्यों, ग्रीन उसने पहले मना कर दिया, पी के साथ भी आएगा तो टी के साथ आपका आएगा ग्रीन, ठीक है। और देखो टी के जस्ट अबाउ रेड होगा बट इमीडिएट अबाउ नहीं होगा, तो आर आपका रेड कलर लाइक करेगा। अब एक पर्सन आपका बचा वो है देखो पी, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो पी के साथ ब्लू भी नहीं आएगा तो ब्लू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक कलर आपका बचा वो कौन सा है, ब्लैक, ब्लैक मेरा यहाँ पे। आसान था बट एक इन्फॉर्मेशन मैंने गलत लिख दी थी, तो येलो और ग्रीन वाले आप ब्लू ले लिया था, ठीक है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। बाकी पजल आपका इजी था। अब देखो इतना धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूँ अप्रोच सिखाने के लिए बस, अब मैं कोशिश करूंगा इतना धीरे ना पढ़ाऊ, थोड़े स्पीड में आप कोशिश करना 1.5 या 1.25 की स्पीड में देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, 8% विच इज सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, ठीक है, इन साइड देख रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे दिया गया एक रेक्टेंगुलर टेबल है, ठीक है, ये मेरी रेक्टेंगुलर टेबल है। आगे बोला सबका बेस सेंटर की तरफ है, फिर बोला गया 3% सिटिंग ऑन ईच लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड पे 3% बैठे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आगे बोला हुआ 1% सीट एट द शॉर्टर साइड, तो 7 और ये हो गया मेरा 8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फटाफट करते देखते हैं। आगे बोला कि दिस ऑल 8% लाइक अ डिफरेंट कार्टून कैरेक्टर्स, पॉपाय, मिकी माउस, गूबी, ट्विटी, प्लूटो, टॉम, कैस्पर और जैरी, ये लाइक करते हैं, मतलब 8% और 8 कैरेक्टर हो गए। फील लाइक गूफी एज सिट मिडल ऑफ द लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड मिडल में बैठे, अब वो यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, वो आपकी जगह कहीं भी ले सकते हो आप, मैं देखो यहीं पे ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका गूफी लाइक कर, ठीक है, ये 90s के कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए आगे बोला कि 2% बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में 2%, एक दो छोड़ के यह आ सकता है, एक दो छोड़ के यू आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। आगे बोला कि यू डज नॉट लाइक प्लूटो, यू आपका प्लूटो लाइक नहीं करता। वन हु लाइक टॉम सिट इमीडिएट राइट ऑफ यू, यू के इमीडिएट राइट में वो पर्सन आएगा जो आपका टॉम लाइक करे। टी लाइक मिकी माउस, आपका मिक्की माउस लाइक करता है, ठीक है, तो मैं मिक्की लिख रहा हूँ, ठीक है। एंड इज इमीडिएट नाइबर ऑफ क्यू, तो टी और क्यू आपके एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी के सेकंड लेफ्ट में आपका आर आएगा। द वन हु लाइक ट्विटी सिट अपोजिट टू आर, आर के अपोजिट वो पर्सन बैठेगा जो आपका ट्विटी कैरेक्टर को सॉरी कैरेक्टर को लाइक करता है। एस लाइक कैस्पर एस सिट अपोजिट टू वन हु लाइक पॉपाय, तो हम कहाँ लिखे हैं, अब यही पे लिख देता हूँ, चलो यही पे लिख देता हूँ, ठीक है। जो पर्सन आपका पॉपाय कैरेक्टर को लाइक करता है ना, उसके सामने वो आएगा जो आपका कैस्पर कैरेक्टर को लाइक करता है, ठीक है। चलिए डब्ल्यू डज नॉट लाइक ट्विटी, डब्ल्यू आपका ट्विटी लाइक नहीं करता, ठीक है, ये आपका ट्विटी कैरेक्टर को लाइक नहीं करेगा। क्यू सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ टॉम, टॉम के सेकंड लेफ्ट में क्यू आएगा आपका। सारी इंफॉर्मेशन मिल गई बट ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली एक ये गूफी वाली जिसके अलावा मेरा कोई कनेक्शन बैठ पाएगा। चलिए हम चेक करें,
अब देखो पी और यू के बीच में दो है, तो एक बार मैं राइट और लेफ्ट में लेके देखता हूँ, लेफ्ट में लेता हूँ, एक दो छोड़ के मेरा यू यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और यू के इमीडिएट राइट में टॉम है, तो यू के इमीडिएट राइट में टॉम मेरा यही तो आएगा भाई, ये तो इमीडिएट लेफ्ट में है तो टॉम मेरा यहाँ पे आ गया। काम करता है येलो कलर ही लेते, यू मेरा यहाँ पे हो गया और यू के इमीडिएट राइट में आपका टॉम आ गया, ठीक है। अब टॉम के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, तो टॉम के सेकंड लेफ्ट में क्यू आ गया मेरा, ठीक है। क्यू और टी पड़ोसी है तो टी मेरा यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट टी आपका मिकी लाइक करता है ना, तो यहाँ पे मिकी माउस आ जाएगा, मतलब मिकी वाला कैरेक्टर जो लाइक करता है वो होगा टी आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट किससे करें हम, टी के सेकंड लेफ्ट में आर है, तो टी के सेकंड लेफ्ट में आपका आर यहाँ पे आ जाएगा। आर के सामने ट्वीटी आना चाहिए बट यहाँ तो मिकी आ रहा है, बस पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, अब आप हटाओ इसको। अब मुझे राइट में लेना पड़ेगा यू, एक दो छोड़ के यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको हटा दो। अब देखो यू के इमीडिएट राइट में टॉम है, तो यू के इमीडिएट राइट में वो पर्सन है जो आपका टॉम कैरेक्टर को लाइक करता है, ठीक है, आप इसको भी हटा दो। नेक्स्ट टॉम के सेकंड लेफ्ट में क्यू है, तो टॉम के सेकंड लेफ्ट में क्यू मेरा यहाँ पे आ जाए, आप इसको भी हटा दो। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट है कि टी और क्यू पड़ोसी है, तो यहाँ पे तो पड़ोसी हो नहीं सकता, तो टी मेरा यहाँ पे आएगा और टी आपका मिकी टाइप करता है, मिकी माउस, ठीक है, आप इसको भी हटा दो, आप इसको भी हटा दो। टी के सेकंड लेफ्ट में आर है, तो टी के सेकंड लेफ्ट में आपका आर यहाँ पे आ जाए, आर के अपोजिट वो बैठा जो ट्वीटी लाइक कर रहा है, तो ट्वीटी आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इसको भी हटा दो आप इसको भी हटा सकते हो। अब पॉपाय और कैस्पर आपके एक दूसरे के सामने बैठे, है ना, देखो ये कन्फर्म है कि कैस्पर और पॉपाय आपके यही कहीं आएंगे, देखो कैसे यहाँ पे पॉसिबल है क्या, कहीं नहीं, या तो कैस्पर आपका यहाँ पे आएगा या आपका पॉपाय आएगा, या आपका पॉपाय यहाँ पे आएगा या आपका कैश पर आएगा, ठीक है, तो आप इसको हटा दो। अब देखो यू आपका प्लूटो लाइक नहीं करता, तो यू प्लूटो लाइक करेगा, प्लूटो की जगह देखो आपकी यही तो बचेगी ए, आर आपका प्लूटो लाइक करेगा, ठीक है। अब डब्ल्यू आपका ट्विटी लाइक नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन बच गई क्या, ठीक ऑफिस इन मिडल अगर तू बस, ठीक है, यू लैपटॉप फिर टी मिकी माउस आर सेकंड लैपटॉप टी हो गया, द वन लाइक टू के अपोजिट एस लाइक कैस्पर, ये देखो यहाँ पे बोला था एस आपको कैस्पर लाइक कर रहा है, ठीक है, ठीक, तो ये पर्सन हो गया आपका पॉपाई लाइक करने वाला, और ये हो जाएगा आपका कैस्पर लाइक करने वाला कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एस, डब्ल्यू टू डे लाइक नहीं करेगा, तो डब्ल्यू की जगह बचती है आपकी ये वाली टॉम के साथ। एक कैरेक्टर बचा आपका वो कौन सा, जेरी, जेरी आ जाएगा आपका यहाँ, साथ नहीं छोड़ेंगे टॉम एंड जेरी, साथ में आए दोनों के दोनों। अब एक पर्सन बचा आपका, देखो पी क्यू हो गया आर एस टी यू, ये हो जाएगा बन गया पर्सन, बस यही चीजें करनी है आपको, इन्फॉर्मेशन लिख लो उसके बाद डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को पकड़ो पुटअप करो और पॉसिबिलिटी वाले हाल चेक करते हो, ठीक है। पढ़ते हैं पजल नंबर 139। ये भी आपकी क्या है, रो और कॉलम को मैंने मिक्सअप किया, जैसे आता है ना फ्लैट और फ्लोर वाला, वही चीजें मैंने इसके अंदर की। देखो एट बॉक्स में से पी से लेके डब्ल्यू तक कैप डिफरेंट कॉलम, दैट इज कॉलम वन कॉलम टू, मतलब दो कॉलम दे रहे हैं कॉलम वन और कॉलम टू, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी कॉलम नंबर वन, ये हो जाएगा आपका कॉलम नंबर टू,
अगर बोला गया ईच कॉलम कंटेन फोर रो, मतलब चार नंबर रो, तीन नंबर रो, दो नंबर रो और एक नंबर, ठीक है, ये बोला गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर बोला कि बॉटम रो का नंबर वन है और टॉप का आपका चार है, वो हम लिख लिया गाइस। टी इज कैप्ट और इवन नंबर रो, इवन नंबर रो के अंदर है टी रो, या तो आएगा आपका टू पे या फोर पे, या फिर वो फोर पे हो सकता है, टू पे हो सकता है, बट कॉलम नहीं दे रखा। मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ इवन रो। अगर बोला क्यू इज कैप्ट टू रो अबाउट टी, टी के टू रो अबाउट मतलब भाई क्यू और टी के बीच में एक आएगा आपका रो, एंड बोथ आर कैप्ट द सेम कॉलम, दोनों के दोनों आपके सेम कॉलम के अंदर आएगा, सेम कॉलम आपका लिख देता हूँ। कैसे, सपोज टी मेरा आपका आता है कॉलम वन में, तो आर मेरा यहाँ पे हो सकता है और क्यू, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ टी को लेता हूँ इस कॉलम में, तो मेरा क्यू यहाँ पॉसिबल है, मतलब दोनों केस मेरे पॉसिबल। क्यू एंड यू कैप्ट ऑन सेम रो, क्यू और आपके यू सेम रो के अंदर आएंगे, सेम रो हो गया, ठीक है। S is kept immediate below U, U के जस्ट नीचे आपका S आएगा, और आगे बोला कि सेम कॉलम आए, ठीक है, ये भी सेम कॉलम लिख देता हूँ, सेम कॉलम, ठीक है। P is kept toward south of P, P के साउथ में आपका P वाला बॉक्स आएगा। R is kept placed east of B, B के ईस्ट में मेरा कौन सा आएगा बॉक्स, R आएगा। W and B are not kept not near to, मतलब W and B are not kept on near rows, मतलब W और B साथ साथ में नहीं है, row तो यही होता है, ठीक है, सॉरी कॉलम ही row बोला ना उसको, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो टी मेरा इवन पे है, मैं एक बार टी को लेता हूँ यहाँ पे, दो तो पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ, ठीक है, एक छोड़ के आपका क्यू आएगा, ये मेरा क्यू आ गया, क्यू और यू सेम रो में, ये सेम रो में आ गया, ओके, क्यू के जस्ट नीचे आपका एस है और सेम कॉलम में, तो ये एस मेरा यहाँ पे आ गया। अब P के नीचे आपका B है और B के ईस्ट में आपका R है, तो P के नीचे आपका B आएगा और यहाँ पे मेरा R हो जाएगा, एक परसेंट बचा W, आ गया मेरा W। चलिए फिर ये मेरा सवाल बन गया, बट मैं क्या करता हूँ आपको दूसरा केस भी दिखता हूँ, कुछ महानुभव ऐसे होते हैं सर आपको देख देख के पढ़ाते हो। चलिए ये आ गया T, ये आ गया Q, ये आ गया आपका U, U के जस्ट नीचे आपका S आ गया, ठीक है। अब देखो P के नीचे आपका V, तो यहाँ पॉसिबल नहीं, तो V यहाँ पे आएगा और ये मेरा होगा आपका क्या R हो जाएगा, यहाँ पे W, तो ये तो भाई साहब दोनों सेम रो के अंदर आ रहे हैं, तो ये आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से एलिमिनेट, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ये कह रहा आपका 140 पजल क्या कह रहे हैं कि 12% है, जेस अमर ध्रुव ये आपको क्या करते हैं वांट फॉर अ वैकेशन इन अ डिफरेंट स्टेट्स, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और असम, ये चार स्टेट्स में आप घूमने जाते हैं। कुछ कुछ समझ में आया सवाल, ये राजस्थान, ठीक, ये आपका कौन सा हो जाएगा जे एंड के, ये हो जाएगा आपका दिल्ली, ये हो जाएगा आपका असम स्टेट, ठीक है।
ये आपकी हो गई। अब आगे बोला है कि एटलीस्ट 2%, 2% तो आने चाहिए। सपोज यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, बट कितने पर्सन हुए तो आपके 8 ही हुए। आगे बोला कि नॉट मोर देन 4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके 4 हो सकते हैं, 4 से ज्यादा। जैसे अगर दो इसमें होते, दो इसमें होते, कितने हो गए आपके 4, 4 इसमें, 4 इसमें, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए मिनिमम कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे, मैक्सिमम आपके 4 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं हो। ध्रुव वॉन्ट टू दिल्ली फॉर अ वोकेशन विद अजय। वेकेशन में कहाँ जाता है आपका ध्रुव? एक तो दिल्ली जाता है, तो ध्रुव यहाँ पे आएगा। ठीक है, और ये किसके साथ जाता है? ये जाता है आपका अजय के साथ, आपका अजय यहाँ पे आ जाए। कवि वॉन्ट फॉर अ वेकेशन ओनली विद 1%, कवि खाली 1% के साथ जाता है, ये आपके ओनली वाले पर्सन, ठीक है। कवि के साथ एक जो भी आएगा ही ओनली वाले हो, बट नॉट विद जिया, मतलब कवि आपका जिया के साथ नहीं जाता। आगे बोला कि अमर एंड नेहा वेंट टू द सेम स्टेट बट नॉट असम नॉर दिल्ली। एक तो आपका अमर और नेहा, ये दोनों साथ साथ में जाएंगे, बट ये आपके ना तो कहाँ जाएंगे, असम स्टेट में, ना तो आपका अमर यहाँ पे आएगा, ना आपका निहा यहाँ पे आएगी, और ना अमर आपका यहाँ पे आएगा, ना आपका निहा यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ दोनों में से कहीं एक आपका जाएगा। ओनली 2% वॉन्ट जम्मू एंड कश्मीर, वन ऑफ देम वाणी। यहाँ पे खाली 2% आएगी, एक तो वाणी होगा, एक अदर होगा, मतलब यहाँ पे 2 ही आएगी, ठीक है। अब वो कभी भी तो हो सकता है, कभी वाले भी तो आपके 2 ही है, हो सकता है। कैंडी डज नॉट गो टू द राजस्थान, कैंडी आपके राजस्थान स्टेट में नहीं जाती वैकेशन। मनु एंड इंदु वेंट डिफरेंट स्टेट बट नॉट दिल्ली, की यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मनु नॉट इक्वल टू इंदु, दोनों आपके अदर स्टेट में जाते हैं, बट दिल्ली भी जाते हैं आपके, दोनों दिल्ली नहीं जाते। यहाँ पे आपका ना तो मनु आएगा, ना आपका इंदु आएगा। आगे बोला गया है वेयर मोर देन 2 पीपल वेंट फॉर अ वेकेशन, 2 से ज्यादा जाएंगे आपके दिल्ली, वो आपके 4 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, वो अभी नहीं पता। ओके, आगे बोला जिया एंड जे वेंट टू द सेम स्टेट विद मनु, मतलब आपकी एक तो जय, जिया और मनु, ये आपके सेम स्टेट में जाएंगे। अब वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे तो 2 ही है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो वो या फिर यहाँ पे आएंगे या फिर यहाँ पे, ठीक है। राजस्थान इज द ओनली स्टेट वेयर 4% वॉन्ट फॉर अ वेकेशन, यहाँ आपके 4% आएंगे, यहाँ आपके 2, कितने हो गए आपके 6 हो गए। अब बचे 6, 4 और 2 इसमें हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें 4 होंगे, मोर देन 3 का मतलब 3 भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, अब हम चेक करते हैं, देखो और बचा तो नहीं, ठीक है। अब देखो अमर और नेहा आपके क्या है, से साथ साथ में जाते हैं, सेम स्टेट है, अमर और नेहा है, अमर नेहा यहाँ पे आ नहीं सकते, अमर और नेहा यहाँ पे भी जा सकते, अमर और नेहा यहाँ पे क्यों जा सकते, यहाँ पे ऑलरेडी 2 ही आएंगे, अमर मेरा यहाँ पे होगा, मेरा नेहा यहाँ पे होगी, आप इसको हटा दो। आप देखो कवि यहाँ पॉसिबल है कि नहीं, कभी यहाँ पॉसिबल नहीं, कभी की जगह यही हो गया,
यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि 6% बटे, यहाँ पे 4 हो गए, 2 हो सकता है, 3-3 भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। चलो अब मनु और एक दो अलग अलग आएंगे, आप जय दिया और मनु एक साथ आएंगे, नेहा रबर वाला तो ये हो गया हमारा। अब देखो जया सर ये मतलब ये कर लेते ना, जय जिया और मनु एक साथ आएंगे, यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं, या फिर 5 हो जाएगी, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ले सकते हो आप, 3 नहीं आ सकता, फिर यहाँ पे आएगा जिया, फिर आ जाएगा आपका जय, और ये हो जाएगी आपकी मनु, ठीक है, फिर आप इसको हटा दो। अब देखो कवि वाला तो एक ही दिख रहा है मुझे, ओनली वाला यही दिख रहा है, तो कवि मेरा यहाँ पे आ जाएगा, आप इसको हटा दो। अब देखो यहाँ पे तो कोई आएगा नहीं, अब मनु और इंदु अलग अलग आएंगे, है ना, मनु और इंदु अलग अलग आएंगे, तो मनु यहाँ इंदु यहाँ पे आएगी भी, है ना, ठीक है। अजय वाला हो गया हमारा, बट कभी वेंट फॉर वेकेशन ओनली 1% भी हो गया। अमर एंड नेहा वेंट सेम स्टेट, अमर और नेहा वाला भी हो गया, ओनली 2% वेंट जम्मू एंड कश्मीर, ये भी हो गया मेरा। कैंडी डज नॉट राजस्थान नहीं जाएगी, मनु एंड इंदु वेंट डिफरेंट स्टेट बट नॉट दिल्ली, देखो देखो ये देखो दिल्ली जाएगी भी मनु, यहाँ पे बोला ना, बट नॉट दिल्ली, मनु बट नॉट टू, ठीक है दिल्ली जाएंगी नहीं आपकी, तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, असम में हो सकता है, बट इंदु और अलग अलग जाएंगे दोनों, इंदु यहाँ पे आएगी भी, इंदु मेरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा। अब देखो ठीक है जिया और जी ये भी हो गया, ठीक है अब देखो क्या हो सकता है ना, तो 4 और 2 6 6 2 8 8 और 3 11 हो गए ना, 1% आपका बचा, कौन सा देखो यहाँ पर अभी 3 ही आ रहे हैं, इसको आप हटाए दो, पर्सन कौन कौन से बचे, देखो मेरा जय हो गया, अमर जय हो गया, ठीक है पर हो गया, ध्रुव भी हो गया, जिया भी हो गई, अजय अजय भी हो गया, रीवा बची एक, कभी भी हो गया, कैंडी बचा, नेहा हो गई, नेहा भी हो गई आपकी, मनु मनु हो गई, और इंदु भी हो गई, पानी भी होगी, कितने परसेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो हो गए ना, 3 3 6 4 10 ही तो हो गए, यहाँ पे 1% आएगा, ठीक है 1% और आएगा तो 11 हो जाएंगे। अब कैंडी की जगह देखो यहाँ भी तो पॉसिबल है और इधर भी तो पॉसिबल, और मुझे छूट तो नहीं मेरी वेकेशन में गई, ठीक है कैंडी डज नॉट गो राजस्थान, तो कैंडी की जगह तो आपकी पॉसिबल है कि वो दिल्ली भी जा सकती है, तो टोटल पर्सन देखो कितने हो गए, अगर मैं देखूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 में से एक आपकी 11वीं की रीवा, तो रीवा की जगह कंफर्म होगी, ठीक है बट कैंडी की जगह अब देखो आप असम में भी ले सकते हो, दिल्ली में एक चीज दे रखी थी क्या, ये देखो ये दिल्ली वेयर मोर देन टू पीपल, मोर देन टू का मतलब है कैंडी मेरी यहीं पे आएगी, ठीक है ये बन गया 4% यहाँ पे बैठ गए, 3 यहाँ पे और 3 बन गया, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप सवाल, अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सीखा है तो बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, और किसी भी प्रकार की पीडीएफ अगर आपको चाहिए या आपको टारगेट पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाओ उसको ज्वाइन करो और डेली बेसिस पर टारगेट आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।